पहले तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, एंड पे क्वेश्चन था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस जो है पेरोटाइटिस से क्यों, पैंक्रियास। बच्चे वायरस जब आता है ना, मतलब देखें वायरस इन्वेड करता है आपको किसी एक जगह पे, कॉन्डेंस करता है यहाँ पर जैसे पेरोटिड ग्लैंड में से स्टे करता है, बाकी बॉडी में होता है जहां जहां उसको रिसेप्टर्स मिलते हैं वहां वहां वो बाइंड करता है। तो उनके रिसेप्टर्स हैं ऐसे जो उसको पेंक्रियाज में भी अलाउ करते हैं वायरस का अटैक करना और टेस्टीज में भी करते हैं। ठीक है, जैसे कोविड के बारे में था कि लंग्स ही को क्यों अटैक करता है, क्योंकि वहां एस रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह का कि वायरस का स्पेसिफिक होता है ना अटैक करने का पैटर्न इस वजह से। ठीक है, और कोई चीज आप लोगों ने पूछनी है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करें आगे। मेल्स ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते पेरोटाइटिस से, लेकिन मेल्स में ज्यादा टेस्टीज हैं तो ऑर्काइटिस उनको हो जाता है। बाकी जस्ट पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन तक मेल फीमेल्स इक्वली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। Recording in ये progress. बात कर रहे थे कि पेरोटिड ग्लैंड के अंदर स्टोन्स बनते हैं, ठीक है, जो उसकी डक्ट के अंदर भी चले जाते हैं और डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसको हम एक खास किस्म के एक्सरे से देखते हैं जिसका नाम होता है सियालोग्राम। ठीक है, पैरासिम्पेटिक इनर्वेशन मैं आपको एंड पे फिर बताऊंगी, लेकिन न्यूरो तक मुश्किल है उसको ग्रैप करना, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी एंड पे। ठीक है, अभी ग्लैंड पे फोकस करें। ठीक है, यहाँ तक था सारा पैरोटिड ग्लैंड का। अगली जो चीज है वो है सबमेंडिबुलर रीजन। सबमेंडिबुलर रीजन भी जो है फेस का इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, फोकस हमारा इसमें मौजूद ग्लैंड पे रहेगा। इसके अलावा जो इसमें कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर वो कॉन्टेंट्स आएंगे जो कि मेंडिबल और नीचे नेक में एक बोन होती है हेयर बोन, उनके दरमियान की है। उसमें हेयर बोन से ऊपर के मसल्स हैं, सब मेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और सब मेंडिबुलर गैंग्लियन होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सुपरा हेयर मसल्स को हम पढ़ेंगे जब हम नेक पढ़ेंगे, ठीक है, और सब मेंडिबुलर गैंग्लियन को भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम गैंग्लिया और इन सब चीजों को पढ़ रहे होंगे। अभी हम ग्लैंड पे फोकस करेंगे क्योंकि ये बाकी चीजें अलग से पूरा कंटेंट है जो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, सब मेंडिबुलर ग्लैंड। अब इस वाली सेम पिक्चर है पहले वाली, देखिए सब मेंडिबुलर ग्लैंड की तरफ। ठीक है, और ये मेंडिबल के अंदर का रीजन है। उसके अलावा भी ना, मतलब स्ट्रिक्टली ये नहीं है कि मेंडिबल से नीचे की स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर जो है आप कंसीडर करते हैं फेस के स्ट्रक्चर्स भी, यानी जो फ्लोर ऑफ माउथ में आ रहा होता है। ठीक है, फ्लोर ऑफ माउथ में आने वाली चीजें भी आप कंसीडर कर रहे हैं सब मैंडिबुलर रीजन के अंदर, तो सब लिंगुअल ग्लैंड भी फिर इसका हिस्सा ही कंसीडर होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ग्लैंड। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो ये ग्लैंड जो है एक ट्रायंगल लाइक जगह पे मौजूद होता है जिसको हम सब मैंडिबुलर ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, एक रीजन है बॉडी का, पहले एक दफा इसको देख लें कि मैंडिबल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसका मस्कुलर बाउंड्रीज इसकी देखते हैं कि ये जो ग्लैंड है, इस वाली पिक्चर से भी हम देखेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगुलर रीजन के दरमियान होता है मसल्स के, जिसको हम सब मैंडिबुलर ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जिसमें इसके ऊपर लाए करती है, येलो कलर का ग्लैंड है। ठीक है, इसके ऊपर लाए करते हैं इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल एक मसल है, इसको डायगैस्ट्रिक कहते हैं। ये दो इसकी बेलीज हैं सिक्रेटेड। ठीक है, एक एंटीरियर बेली, एक पोस्टीरियर। एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक ये है और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक ये है। ठीक है, ये इस मसल, मतलब ये मस्कुलर ट्राइंगल जो है सब मैंडिबुलर, उसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं और इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर इसके इंफीरियर बॉडी ऑफ मैंडिबल है, फिर इसके आगे एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल है और बैक साइड पर इसके पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये दो लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सुपर फेशियल और डीप लोब्स हैं जिनको सेपरेट माइलोहायोइड मसल करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्लैंड का पैटर्न किस तरह ऐसे दरमियान में मसल है, मसल यानी कि इस तरह ग्लैंड था ना पूरा, तो मसल इसके सेंटर में आ रहा है, तो मसल से ऊपर वाला सुपरफिशियल कंसीडर हो रहा है और नीचे वाला डीप। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ, यानी इसे मैं आपको बताती हूँ कि
ये जो पोर्शन है ना, ये आप इस तरह कंसीडर करेंगे कि अंदर की तरफ मूव करते हुए फेस में, इसलिए डीपर है। जो बाहर है वो सुपरफिशियल है, वो माइलोहेड मसल से बाहर है, ठीक है। सुपरफिशियल आर्म जो है वो ज्यादा बड़ा है साइज में, और माइलोहेड इसके नीचे है। डीप आर्म जो है छोटा पोर्शन है जस्ट। इसमें इंटीरियर बेली करेक्टली मार्क है, लेकिन एंगल डिफरेंट हो गया, इसलिए डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। जब हम ये मसल्स पढ़ेंगे तो फिर इसको बेहतर ओरिएंटेशन समझ आएगी। उसके बाद इसकी डक्ट की बात करते हैं। डक्ट, फिर डक्ट का एक और नाम है, इसको वॉर्टन्स डक्ट कहते हैं। ये भी अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं। वो मतलब इस टाइम किया जाता है ना एग्जाम में कि आप लोगों ने अगर फर्स्ट प्रॉफ दिया होगा, आपको आइडिया होगा कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को ऐसे क्वेश्चन पसंद होते हैं जो थोड़ी और सी चीज होती है। इस चीज का दूसरा नाम क्या है, तो उसमें वो फिर प्रेफर करते हैं पैरोटिड की डक्ट को। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, सब लिंगुअल की डक्ट का नाम क्या है, पेंक्रियाज की डक्ट का नाम क्या है, इस तरह मतलब डिफरेंट पूछते जाते हैं, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट है, ये ग्लैंड से आकर टंग के नीचे फ्लोर ऑफ माउथ के अंदर देखें ओपन हो रही है, ठीक है। एरो भी लगा हुआ है, इसको देखें, म्यूकोसा फ्लोर ऑफ माउथ तक जा रही है। वॉर्टन्स डक्ट कहलाती है, ठीक है। तकरीबन 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और लिंगुअल नर्व और आर्टरी के साथ ट्रेवल करती है, टंग के नीचे फ्रेन्यूलम में जाकर ओपन होती है, ठीक है। देख सकते हैं दोबारा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट है, ठीक है। और इसका ऊपर वाला पार्ट डीपर वाला, सुपरफिशियल वाला, और सेपरेट करने वाला माइलोहियॉइड मसल इसमें बेहतर नजर आ रहा है कि कैसे शीट की तरह वो इसके दरमियान में से गुजरा हुआ था, इसकी वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो ये टंग के अंदर जाके ओपन कैसे होता है, अच्छा पहले ये देख लें कि ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड और डक्ट है, साथ इसके क्या है, रन करने वाली लिंगुअल नर्व और लिंगुअल वेन, ठीक। ये लिंगुअल नर्व है और इसी तरह साथ इसके वेन जो है वो रन कर रही होती है। ओपन कहाँ होता है, छोटा सा पॉइंट आप इस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, टंग का मिड लाइन याद है, जिसको जिसको हम लिंगुअल फ्रेन्यूला कहा था, उसके साइड पे आकर खुलती है, ठीक है। जिस जगह खुलती है उसको क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर पेपिला। एक सब लिंगुअल पेपिला है, एक सब मैंडिबुलर पेपिला है, ठीक है। ये वाली जो जगह है जहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड खुल रहा है, एरो लगा हुआ है इस जगह पर, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद इसके वेस्कुलेचर की बात करते हैं। जो सबमेंडिबुलर ग्लैंड है, वेस्कुलेचर को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि सब लिंगुअल ग्लैंड का और सब मैंडिबुलर ग्लैंड का एक ही वेस्कुलेचर और इनर्वेशन है, ठीक है। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है उसको सब मेंटल आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि फेशियल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और दूसरी जो आर्टरी सप्लाई करती है वो सब लिंगुअल आर्टरी है, जो कि लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। सब लिंगुअल आर्टरी, सब मेंटल आर्टरी। सब मेंटल आर्टरी फेशियल की ब्रांच है, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ इस पिक्चर में नहीं है, वो नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। सब लिंगुअल आर्टरी जो है लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच है, इस ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, और देखेंगे एक ब्रांच सब लिंगुअल में भी जा रही है। इस वाली पिक्चर में देखें, लिंगुअल से आने वाली सब लिंगुअल आर्टरीज पूरे सब मैंडिबुलर रीजन को दे रही है। इसी वजह से सब मैंडिबुलर रीजन में, क्योंकि दोनों ग्लैंड्स आ रहे हैं, सब मैंडिबुलर भी है, सब लिंगुअल भी है, दोनों को सप्लाई कर रही है, ठीक है। और दूसरी सब मेंटल आर्टरी है, वो भी इस रीजन में सप्लाई कर रही है, तो दोनों ग्लैंड्स की ये आर्टरी है। इनर्वेशन की बात करते हैं। इनर्वेशन जो है ना पैरासिम्पेथेटिक इस रीजन की, वो कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व से आती है, ठीक है। अब आप ये चीज याद रखें, ऑर्टिक गैंग्लियन को हमने देखा था, ठीक। ऑर्टिक गैंग्लियन से जो पहले था पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, कि ब्रेन से इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से फाइबर्स गए ऑर्टिक गैंग्लियन में, वहां से ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड में गए थे। अब उसी ऑर्टिक गैंग्लियन से पास से आ रही है कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व, ठीक है। लेकिन अपना सेपरेट एक गैंग्लियन बनाएगी यहाँ पर आकर सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस में से आकर, इसका नाम है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, और इन दोनों ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, ठीक है। आपस में फिर ये सारे पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम के अंडर आते हैं, इकट्ठे
इनर्वेट होकर स्लाइवेशन करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि स्पीयर सर्वाइकल गैंग्लियन भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर ऐसे ही सप्लाई करेगा, ठीक है। देखो बच्चों, जो पैरासिम्पेथेटिक इनर्वेशन है इस ग्लैंड की, वो कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व से आएगी, जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है, और वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से होकर आएगा, ठीक है। ऑटिक गैंग्लियन कुछ ब्रांचेस दे रहा होता है इनको ज्यादा, देखिए जो पहले इसके लिए ना एक चीज दे, वहां पे जाना पड़ेगा सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका देख लेते हैं, फिर इस तरफ आते हैं। देखिए सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या था, ये अगर आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलते ही क्या करती है, गैंग्लियन बनाती है, ये सिंपथेटिक के लिए, ठीक है। थोड़ा न्यूरो के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं ताकि हम ये बात समझ सकें, ठीक है। इसी तरह गैंग्लिया बनाते हैं, उन गैंग्लिया में से आगे फिर ब्रांचेस जाकर सप्लाई करती हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, तो हम ये कहते हैं कि ये सिंपथेटिक गैंग्लियोनिक चेन है, क्योंकि ये सारी पैरावर्टिब्रल सिंपथेटिक चेन होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे न्यूरॉन्स पास ही मौजूद है एज ए यूनिट काम करने के लिए, एक फाइबर निकल कर आगे सप्लाई करने चला जाता है, ठीक। तो फिर हम ये कहते हैं कि सिंपथेटिक जो गैंग्लिया है उनका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है, क्योंकि छोटा सा फाइबर निकला ही था कि गैंग्लियन बन गया, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लंबा होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तक जाता है जिसको इसने सप्लाई करना है। इसकी निस्बत पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम में क्या होता है कि जहां से न्यूक्लियस है नर्व का, जैसे वहां से फाइबर आता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के बिल्कुल पास आ जाता है जिसको उसने सप्लाई करना है, वहां पे गैंग्लियन बनाता है, फिर उसमें से एक ब्रांच निकलकर स्ट्रक्चर को सप्लाई कर देती है। तो हम कहते हैं कि पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम का प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है वो लॉन्गर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा है। अब क्योंकि ये सारा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है, तो दूर से फाइबर्स आ रहे हैं ग्लैंड के करीब पहुंच के गैंग्लियन बना रहे हैं, और एक नर्व छोटी सी ब्रांच निकल कर ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, ठीक है। इन्फीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस से पैरोटिड ग्लैंड का कंट्रोल है, सुपीरियर से सब मैंडिबुलर ग्लैंड का कंट्रोल है। इनके कुछ फाइबर्स आपस में भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के लिए सप्लाई करते हैं, लेकिन मेनली जो नर्व्स इन्वॉल्व हैं, आप एक काम करें, आप जस्ट अभी फिलहाल ये याद रख लें कि पैरोटिड ग्लैंड को ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है और ऑटिक गैंग्लियन करता है, नाम याद कर लें, ठीक है। और जो सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उनको नर्व जो है कॉर्डा टेम्पेनाई और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, बस फिलहाल इतना नाम याद रखें, ठीक है। न्यूरो जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर हम इन चीजों की डिटेल में जाएंगे, क्योंकि जब तक न्यूरो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, गैंग्लियन्स के फाइबर्स के डिफरेंसेस नहीं पता होंगे, ये मुश्किल होगा पिक करना, ठीक है। तो हम इस चीज को बात के लिए स्किप करते हैं, आप जस्ट इतना याद रखें नर्व का नाम, गैंग्लियन का नाम, इसका और इसका, बस फिलहाल के लिए काफी है, ठीक है। इसको भी अभी स्किप कर देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए कि गैंग्लियन में इकट्ठा होकर जब सप्लाई करता है तो ये एज अ यूनिट काम करेंगे, ठीक है। सिंपथेटिक भी यही था कि इकट्ठा एज अ यूनिट काम करने के लिए सारे फाइबर्स उसी स्पीरियो सर्वाइकल गैंग्लियन से सप्लाई हो रहे थे, ठीक है। फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं इन चीजों को। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे, आलमंड शेप्ड है और ओरल कैविटी के फ्लोर पे मौजूद है, ठीक है। इस तरह के ऊपर इसके टंग है, लेटरल साइड पे इसके मैंडिबल लाई करती है, ठीक है, यानी दोनों साइड्स पे लेटरल, और मीडियल साइड पे इसके अंदर की तरफ, यानी आपने ये जो लेटरल है ना मैंडिबल, ये फेस से बाहर आने की तरफ वाले में लेटरल है, ठीक है, क्योंकि पिक्चर इस डायरेक्शन में है। तो 3D में देखें कि ग्लैंड जहाँ मौजूद है उसके बाहर मैंडिबल है, और उससे मजीद अंदर जाए तो जेनियोग्लॉसिस मसल है टंग का, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ ग्लैंड मौजूद है ना, तो बाहर लेटरल साइड पे मैंडिबल है, मजीद मीडियल आए तो जेनियोग्लॉसिस मसल ऑफ द टंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डक्ट की। इसकी जो डक्ट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है कि वो 8 से 20 छोटी छोटी डक्ट्स हैं हर ग्लैंड में, यानी एक साइड से भी दूसरी साइड से भी निकलती हैं और जाकर सब लिंगुअल फोल्ड या टंग की जो फोल्ड बने हुए उसके अंदर ओपन होती हैं, ठीक है। एक तो ये बड़ा वाला पेपिला ना जिसके अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड था, और इस दूसरी साइड पे देखें छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं ऐसे,
उनके अंदर ये बहुत सारे सब लिंगुअल ग्लैंड्स आकर ओपन होते हैं, ठीक है। और इसकी डक्ट को डक्ट ऑफ रिवेनस कहते हैं, ठीक है, डक्ट ऑफ रिवेनस। पैरोटिड की स्टेंसन, सब मैंडिबुलर की वॉल्टन, सब लिंगुअल की रिवेनस, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद कर सकते हैं, अक्सर पूछा होता है वहां पर, क्लिनिकल नाम तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ठीक है। वेस्कुलेचर और इनर्वेशन इसकी सेम है जैसे कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की थी, यानी कि वही सब मेंटल सब लिंगुअल आर्ट्री और वही कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। जितने मतलब स्टोन्स वगैरह है ना सलाइवरी ग्लैंड्स में, वो ज्यादा कॉमनली सब लिंगुअल ग्लैंड। डक के नाम आपको लिख के भी देती हूँ, ठीक है। सब मैंडिबुलर जो है ग्लैंड, उसके अंदर सबसे ज्यादा कैलकुलस या स्टोन बनता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एक गुठली नुमा चीज आपकी जुबान के नीचे जहां डक्ट ओपन होती है वहां महसूस होती है, ठीक है। बहुत पेनफुल होता है, ज्यादा तब होता है जब मील्स से रिलेटेड है, ठीक है। मील्स यानी खाना खाओगे तो बढ़ेगा क्योंकि उस टाइम ज्यादा स्लाइवा ज्यादा बनता है, नहीं खाओगे तो छोटी हो जाती है स्वेलिंग, ठीक। और उसके अलावा ये है कि सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड की स्वेलिंग और सबमेंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए। जाहिर है लिम्फ नोड की स्वेलिंग कहाँ है, मैंडिबल के नीचे होगी, लेकिन ग्लैंड की स्वेलिंग टंग के नीचे होगी, तो इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। इस पिक्चर में देखें, जहां पर देखें लिंगुअल फ्रेन्यूलम था ना, इसके साथ खुलनी थी डक्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, लेकिन स्टोन ने आके इसको ब्लॉक कर दिया है। ये बहुत पेनफुल और हार्ड सा बन जाता है। दैट्स ऑल, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। फिर आपको ग्लैंड्स के डक्ट के नाम बता दूं। पैरोटिड जो थी उसका नाम था स्टेंसन, ठीक है। सब मैंडिबुलर जो थी उसका नाम है वॉल्टन, ठीक है। और सब लिंगुअल जो है उसका नाम है रिवेनस। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स दें कि हमारा जो खाना देखते हैं तो स्लाइवा स्क्रीट होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी है, ठीक है। देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या है, फ्लाइट या फ्राइट, ठीक है। फ्लाइट या फ्राइट में आपको जरूरी है कि आपके मसल्स एक्टिव हों, आपका प्यूपल जो है वो प्रॉपर फोकस करो, आपको नजर ठीक आए, आप भाग सकें। उसमें आपको स्लाइवा बनने की या डाइजेशन इम्प्रूव होने की जरूरत नहीं है, तभी आपका ब्लैडर भी हेल्ड हो जाता है और सारा कुछ के आपको ऐसी अड़चनाए, वो पेट में दर्द होना डर से वो एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में ये होता है कि रेस्ट या डाइजेस्ट है, आप कंफर्टेबल है, डाइजेशन इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। यही वजह है कि जब डर लगता है फ्लाइट या फ्राइट कंडीशन तो मुंह सूख जाता है, होता है ना, मुंह खुश्क होता है, क्यों होता है, स्लाइवा नहीं बन रहा होता, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जैसे कि अच्छे खाने का सोच के या खुशबू आती है अगर अच्छी तो स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। हियर अब अच्छा क्वेश्चन है कि ऑर्टिक गैंग्लियन में पैरोटिड ग्लैंड की पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन के दो पाथवेज हैं या एक पाथवे, एक ही है वो नर्व आगे से दो अलग अलग कैरी कर रही है, मतलब ब्रांच दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह पाथवे एक ही है लेकिन नर्व दो कैरी कर रही है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये सी की एक्सप्लेनेशन है मजीद ब्रांचेस के साथ। पिक्टोरियल जरा ये देखे ना, ये जो स्टेप्स कैरी हो रहे हैं ये वही है ना, टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक प्लेक्सस, लेसर पेट्रोसल नर्व, जो ये लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लेकिन जिक्र करना जरूरी था ना। सबलिंगुअल में मैंने रिवेनस के अलावा कोई और नहीं बताया, मैंने सबलिंगुअल का एक ही बताया, रिवेनस ही बताया। लिंगुअल फ्रेन्यूला कहा था, जो सेंटर में म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसकी गिर्द खुल रही है उसका जिक्र किया था। सिंपैथेटिक वन की यही एग्जांपल है ना कि जब डर लगता है तो मुंह खुश्क हो जाता है, तो स्लाइवा नहीं बन रहा होता, ठीक है।
और कोई चीज? को बहुत जल्दी है, उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज, जल्दी खत्म करो, आप लीव कर सकते हैं बेटे, टॉपिक हो गया है, जितने क्वेश्चन है उनको मैं क्लियर कर दूँ। किसी का क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया था तो वो दोबारा पूछ लें काइंडली। एसिम्प्टोटिक का क्या डॉटेड लाइन की आपके सामने है ना? देखो बेटा, कुछ क्लिनिकल्स जो है ना वो अभी मतलब टंग के जैसे क्लिनिकल्स हैं, उसमें टंग का ट्यूमर था, लॉस ऑफ मतलब एम्ब्रियोलॉजी का था, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो फिर डिफरेंट बुक से कंसल्ट करनी पड़ेंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट किए जाए, इसलिए मैंने कुछ चीजें बीच में से छोड़ी है, वो हम एक जो एंड वाला लेक्चर होगा ना उसमें जब देख लेंगे। आप लोगों ने ये करना है कि जो चीजें आपको लग रहे हैं कि स्किप हुई है वो आपने नोट करके मुझे बता देनी है, हम इसको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है? देखो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई सिंपली ये है कि ब्रेन से, ब्रेन में न्यूक्लियस है, ठीक है, वहां से नर्व के फाइबर्स आते हैं, एक नर्व के थ्रू ट्रेवल करते हुए आपस में कोलेक्ट होकर, ठीक है, अगली नर्व के थ्रू, जैसे रिले रेस देखी आप लोगों ने, जो एक काइंड ऑफ प्लास्टिक की चीज होती है वो एक दूसरे को पास करते जाते हैं भागते हुए, एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तो ऐसे करके नर्व्स जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे को फाइबर्स कन्वे कर रही हैं और एंड पे एक आकर पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। इनका आपस में सिनेप्स करने का फायदा ये हुआ है कि एज अ यूनिट काम करेंगे एकदम से, जैसे अगर आप घर का सारा मेन स्विच एक मतलब जगह पे होता है ना, अगर उसको ऑफ कर दो सारे घर की लाइट एकदम बंद हो जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह गैंग्लियन जब होते हैं तो एक जैसा रिस्पॉन्स हो जाता है, आपने अगर उनको एक्टिवेट करना है या बंद करना है इकट्ठा हो सकता है। इस पिक्चर में मैं आपको भी सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर की जो ओपनिंग्स हैं वो हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये जब आप अपने फोन में ज्यादा फोकस करके देखोगे ना बच्चा, तब आपको अच्छा नजर आएगा। इस पर्पल के अंदर जो भी देख रहे हो चार डॉट्स हैं, इस लाइन को फॉलो करो, छोटे छोटे डॉट्स, ये सबलिंगुअल की ओपनिंग है, ठीक है? और ये जो एक बड़ा पेपिल है ना, एक ही बड़ा वाला, ये सबमैंडिबुलर का है, ठीक है? इस तरह ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व विद इन पैरोटिड ग्लैंड एंड ग्रेटर ऑरिकुलर टू फेशिया, राइट? यस। आप लोगों ने इसकी हिस्टोलॉजी भी साथ देख लेनी है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स की एक मर्तबा, ताकि ये सीरियस और म्यूसिनस वाली चीज और जो इसका एसएनएस वाला स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अगर नहीं समझ आएगा उसकी पिक्चर मुझे भेज के आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन कोशिश करना कि इसका हिस्टो वाला एस्पेक्ट भी आप साथ ही कवर कर लें। और कोई चीज अगर पैरासिम्पेथेटिक इनर्वेशन नहीं समझ आई ना, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो हम न्यूरो करेंगे जब इंशाल्लाह, उसमें जब मतलब बिल्कुल न्यूरॉन की डेफिनेशन से शुरू करेंगे ना हर चीज करनी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एज अ स्टूडेंट पहले हमें भी चीजें समझ नहीं आती थी, न्यूरो पढ़ी तो पता चला, क्योंकि अभी भी इवन आप टेस्ट पाथवे में देखें तो उसके अंदर भी न्यूक्लियाई का जिक्र आ रहा होता है, समझ नहीं आ रहे कहाँ से आ रहे हैं। जैसे वो बेल्स पाल्सी वाला जो फेशियल नर्व का था, उसमें भी यही मसला हुआ था कि न्यूक्लियाई नहीं पता थे, ठीक है? ऑब्वियसली मैंने फिर स्किप कर दिया था, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी, क्योंकि जाहिर है आपको न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में न्यूक्लियस अभी तक आप जो पढ़ते आए होते हैं वो सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस होता है एक, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस जो है ना वो कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, मतलब यहाँ न्यूक्लियस डिफरेंट चीज हो जाता है जब हम न्यूरो में आते हैं, ठीक है? ठीक, तो इसलिए जो है हम जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तब। एब्डोमेन पेल्विस मुश्किल है या लेंथी है न्यूरो? एब्डोमेन पेल्विस आसान है एज कम्पेयर टू न्यूरो, न्यूरो लेंथी भी ज्यादा है और मुश्किल भी ज्यादा है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है। जैसे आप बिल्कुल जब पहली बार एनाटॉमी पढ़ते हैं ना,
अपर लोअर लिम्ब पढ़ते हैं तो बिल्कुल हर लफ्ज नया होता है, हर चीज नई होती है। न्यूरो में थोड़ा सा ये मसला हो जाता है कि वहां भी हर लफ्ज नया होता है, हर नई चीज आप पढ़े होते हैं तो मुश्किल लगती है। लेकिन इतना टाइम मेडिकल में जा रहे हैं, आपका दूसरा साल कंप्लीट होने के करीब होता है, तो आपको इतना समझ आ जाता है कि चीजें आप मतलब तो जल्दी पिक करते हो। एनेटमी के पहला कॉन्सेप्ट लेने की निस्बत न्यूरो में जाके आखिरी कॉन्सेप्ट लेना आसान हो जाता है। वेटेज की बात भी है बच्चे, न्यूरो की वेटेज जो है ना वो ट्रेडिशनल में कम है, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम में न्यूरो का पूरा मॉड्यूल होता है। ठीक है, हम मैंने खुद एग्जाम में न्यूरो एनाटॉमी के 6 सवाल दिए हुए और 4 न्यूरो फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो लेकिन ये है ना कि आगे जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं ना थर्ड ईयर में, तो उसकी जो बेसिक फार्माकोलॉजी के 7 चैप्टर्स हैं पहले, वो सारे ANS से रिलेटेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और एक उसका CNS से रिलेटेड यूनिट है। तो अगर आपको यहाँ आप जस्ट एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, आगे का नहीं सोचेंगे, तो वहां वो चीज पर आपको बहुत बदर करती है, फार्मा में पीछे रह जाएंगे। ये चीज है बेसिकली मेरा पढ़ाने का ये मकसद होता है कि उन चीजों पर फोकस हो जिसका क्लिनिकल एस्पेक्ट का फायदा है। एग्जाम तो पास हो जाते हैं, मूवीज देखते होंगे आप लोग, 3 इडियट्स में कहता है ना आमिर खान के कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, तो मेरी कुछ ऐसी लॉजिक है जिसका फायदा हो बाद में। ठीक है, कि काबिल बनने के लिए पढ़े, कामयाब हो जाएंगे ना। ठीक है, एब्डोमेन पेल्विस के बाद बीडी से अच्छा है केएलएम से, केएलएम में ज्यादा अच्छी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, हमारी न्यूरो ही शुरू हुई थी, न्यूरो की जगह आप लोग हेड एंड नेक करा रहे हैं, तो कवर करेंगे जी जी न्यूरो कवर करेंगे हम। न्यूरो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सारे इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना, मतलब हेड एंड नेक हम इंशाल्लाह ईद तक एंड करेंगे। मेन सारे टॉपिक्स हैं, सबको स्केड्यूल दिया था, और ईद के बाद जो है हम इंशाल्लाह न्यूरो करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके ट्रैक्स, उसके जो मेन लोब्स हैं उनकी चीजें, उनका क्लिनिकल एस्पेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आना चाहिए ना उतना। ठीक है, टेस्ट हम आपका ईद के बाद ले लेंगे ना हेड एंड नेक का। ठीक है, एमसीक्यू एग्जाम ले लेंगे हेड एंड नेक का, क्योंकि थोड़ा टाइम देंगे आपको, बीच में ईद के बिल्कुल साथ साथ खत्म हो रहा है, आप लोगों की वेकेशंस का वेट करते, वरना हम सेशन जल्दी भी स्टार्ट कर लेते। मेजोरिटी के वेकेशंस जो है वो 15 जून से होनी थी, इसलिए हमने किया, वरना पहला ट्रायल तो हमने 26 मई को आई गेस किया था। यस, 26 मई को। और कोई चीज? चलिए एंड करते हैं, और कोई क्वेरी हुई तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई चीज पूछनी हो आप लोग पूछ लिया करें, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का राइट है। ठीक है, मैं ना नाराज होती हूँ ना मुझे कोई ईगो का इशू है, स्टूडेंट मैसेज ना करें, मेरे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछ लेते हैं चीजें, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।